हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल, हम लोग संडे में आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ये समय वो है जब हम पूरे वीक के MCQ लेकर आते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं, और आप अपने आप को चेक कर पाते हो, देख पाते हो कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आंसर कर भी पा रहे हैं या नहीं। ये देखना बहुत जरूरी है, अपने आप को एनालाइज करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीकली सेशन को। 27th of October संडे, अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर मंथ का फोर्थ संडे है, 27th of October। तो चलते हैं इस सफर पे, लेकिन कुछ चंद लाइनें देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस हैं आज की। तो लाइंस क्या है? चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। ये डियर लाइंस क्या कहती हैं? ये लाइंस ये कहती हैं, चाहत होना जरूरी है, लेकिन ऐसी चाहत नहीं होनी चाहिए जो आपकी चिंता बन जाए। अगर चाहत है तो चाहत कुछ करने की होनी चाहिए, कुछ एक्शन लेने की होनी चाहिए, चाहत कर्म की होनी चाहिए, क्योंकि जो किया गया कर्म होता है वो फल जरूर लेकर आता है ना। जाने अनजाने भी जो कर्म होते हैं उनके भी फल आते हैं, तो जो कर्म आप जानबूझकर करोगे उसका फल क्या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, फल जरूर आएगा। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है और फोकस करना है, चाह नहीं रखनी है ना। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। लेकिन क्या उसके हिस्से कुछ नहीं आएगा? आएगा, वो आएगा उसके कर्म से, क्योंकि वो है कर्म प्रधान। जो कर्म प्रधान है, कर्म पर फोकस करता है, अपने कर्मों को अच्छा बनाता है, वो हमेशा सफलता के शिखर पर या आगे बढ़ता है। सफलता के शिखर का मतलब ये नहीं कि असफलता कभी नहीं आएगी। असफलता आएगी, लेकिन आपको डराएगी नहीं, आपको गिराएगी नहीं, आपको मजबूत करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, आपको बहुत कुछ ऐसा सिखाएगी जो आप जिससे और मजबूत होंगे और स्ट्रांग होंगे। तो चलिए इन्हीं चंद लाइनों के साथ शुरू करते हैं इस वीकली सेशन को, जो कि फोर्थ ऑफ संडे है, अक्टूबर मंथ का 27th of October। तो चलिए शुरू करते हैं 20 से 26th of October तक जो भी न्यूज रही है उन पर बेस्ड हम MCQ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम डिस्कस करें डियर आपके साथ कितने MCQ का सिलसिला हम लेकर आए हैं, तो हम आपको बता दें यहाँ पर पहले हम आपके साथ 25 MCQ रहेंगे, फिर आपके 26 रहेंगे, और फिर आपके 28 रहेंगे, यानी ओवरऑल 79 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस होने वाले हैं। और मैं आपके लिए बात करूं, अगर एक राइट क्वेश्चन पर आपको अपने आप को +1 marks देना है, एक रॉन्ग आंसर पे अपने आप को 0 marks देना है, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अपने मार्क्स काउंट करते चलने हैं, मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है, चलो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शुरू करते हैं ये सफर, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ चुके हैं, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? हु लॉन्च द e-migrate v2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। e-migrate v2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? फटाफट बताना है आपको, टाइम स्टार्ट है। नरेंद्र मोदी जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, डॉक्टर एस जयशंकर हैं, अमित शाह हैं। फटाफट आंसर करेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे डियर हम सभी, है ना। तो फटाफट आंसर करते चलो हम लोग, फास्ट तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे कोई भी लेट लतीफी ना हो, देरी ना हो, हम लोग फटाफट चलते चले। तो चलिए आंसर आने शुरू हो गए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और इससे पहले सभी कनेक्ट हो, उससे पहले एक बार से लिंक को फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। जहां भी ग्रुप वगैरह में हो, फटाफट फैला दो, लिंक को शेयर कर दो फटाफट से।
सेशन को लाइक करते चलो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, फटाफट से शेयर करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, एस जयशंकर साहब हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, वाराणसी में पीएम मोदी ने मोदी द्वारा उद्घाटन की गई विकास परियोजनाओं की लागत कितनी है, बतानी है फटाफट से आंसर करें। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था हाउ मच आर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन वाराणसी वर्क, बताएं। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल बर्फ हुआ थोड़ा सा लेकिन सही हो गया है, फटाफट बताएं। 5,500 करोड़ है, 6,700 करोड़ है, 7,000 करोड़ है, 8,200 करोड़ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके साथ, वीकेंड के शुरू होने पे ही वीक के हमने आपके साथ ये न्यूज डिस्कस की थी। राइट आंसर है भाई 6,700 करोड़, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई माइग्रेट पोर्टल किस सतत विकास लक्ष्य के साथ संरेखित है, विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डज द ई माइग्रेट पोर्टल अलाइन विद, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, गोल 4 है क्वालिटी एजुकेशन है, गोल 10 है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी है, गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड है। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। तो हम बढ़ेंगे इसके राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, गोल 10 रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर पार्ट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन में कितने सदस्य देश शामिल हैं, 7, 9, 12, 15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं कर पाएगा, है ना, सभी कर लोगे मुझे पता है, बिल्कुल पूरा विश्वास है, बस विश्वास मत तोड़ना, सही सही आंसर करो सभी फटाफट। हाउ मेनी मेंबर्स स्टेट आर पार्ट ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, चलेंगे राइट आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है 9, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 9, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सीओ का सदस्य नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एससीओ, चाइना, अजरबैजान, ईरान, अफगानिस्तान, बताएं फटाफट आंसर करेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर अफगानिस्तान, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देव देश ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, विच टू कंट्रीज आर साइनिंग एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, इंडिया एंड ब्राजील है, इंडिया एंड कोलंबिया है, इंडिया एंड मैक्सिको है, इंडिया एंड अर्जेंटीना है, विच टू कंट्रीज आर साइनिंग एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बताए विच टू कंट्रीज आर साइनिंग एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, कौन से दो देश ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, इंडिया एंड ब्राजील, इंडिया एंड कोलंबिया, इंडिया एंड मैक्सिको, इंडिया एंड अर्जेंटीना, फटाफट करो आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल आंसर करना शुरू कर दें। तो राइट आंसर की तरफ हम लोग चले, तो बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर करना है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस हुआ था आपके साथ, ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता इंडिया एंड कोलंबिया के बीच साइन हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आंसर सभी करते चलो, मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है, फटाफट कनेक्ट हो जाओ भाई, बिल्कुल कुछ लोग लेट आ रहे हैं, चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया से पहले भारत ने कितने देशों के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हाउ मेनी कंट्रीज हैज इंडिया साइन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद बिफोर कोलंबिया, बताएं हाउ मेनी कंट्रीज हैज इंडिया साइन एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद बिफोर कोलंबिया, कोलंबिया से पहले भारत ने कितने देशों के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, आपको बताने हैं 10, 15, 16, 20, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। आपके साथ डिटेल में जब ये न्यूज डिस्कस हुई थी तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, तो बिल्कुल बताते चले क्या आंसर होने वाला है, हमें इंतजार है आपके आंसर का और आपको इंतजार होगा हमारे आंसर का, मैंने कई बार बोला है यही दोनों इंतजार हमें आपस में जोड़कर रखते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त और चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है 16, बिल्कुल नियर द राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र कैबिनेट ने किन दो नदी जोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है, विच टू रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट डिड द महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूवल, महाराष्ट्र कैबिनेट ने किन दो नदी जोड़ परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ऑप्शन आपके सामने देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिए हुए हैं, गंगा यमुना एंड ताप्ती नर्मदा है, दमन गंगा एंड वेटराना है, गोदावरी एंड दमन गंगा एंड एकाड्रे गोदावरी है, या फिर कृष्णा गोदावरी एंड महानदी गंगा है, या फिर भीमा गोदावरी एंड तापी पूर्णा है, बताएंगे फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करना शुरू करें, हमें इंतजार है आपके आंसर का, आपको इंतजार है हमारे आंसर का,
और इसी इंतजार में हम दोनों ही कनेक्ट होते हैं मॉर्निंग 7 बजे, सुबह सुबह 7 बजे हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल संडे का दिन एक एनालिसिस का दिन होता है, ऑब्जर्वेशन का दिन होता है, रेस्ट का भी दिन होता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कहते हैं संडे को करेंगे उनको करने का दिन होता है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी आपका, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। डियो चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 2 नदी जोड़ परियोजनाओं की कुल कीमत क्या है बताना है। व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द 2 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट। टाइम स्टार्ट है 8,500 करोड़ है, 13,497 करोड़ है, 15,710 करोड़ या 20,000 करोड़। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा, बताना होगा कि आंसर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए चले। व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ द 2 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द महानदी महाराष्ट्र कैबिनेट। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, 15,710 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 15,710 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजनीतिक नेता ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। विच पॉलिटिकल लीडर हैज स्टेक्ड द क्लेम टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। महबूबा मुफ्ती हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, या फिर गुलाम नबी आजाद हैं। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पुडुचेरी। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार जीता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, पुडुचेरी, बताएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपके साथ कई बार डिस्कस हुआ रही है ना। और ये 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किए गए थे, प्रदान किए गए थे ये अवार्ड। और ये राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा डियर, उड़ीसा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल, सेकंड प्लेस किसका रहा है। विच स्टेट सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। फटाफट बताओ, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल स्टार्ट है, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किन 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो भाई थर्ड प्लेस पे कौन रहा है, तीसरा स्थान किसने प्राप्त किया है। विच 2 स्टेट एंड यूटी ज्वाइंटली सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड। तो बताना है आपको, गुजरात एंड उड़ीसा है, गुजरात एंड पुडुचेरी है, उत्तर प्रदेश एंड पुडुचेरी है, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, करेंगे आंसर, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना हो। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है, गुजरात एंड पुडुचेरी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी में नोबेल प्राइज किसने विन किया। हुवर द विनर्स ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। फटाफट बताने हैं, टाइम स्टार्ट है आपका, बताएं भाई, अर्थशास्त्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। रॉबर्ट सेलर हैं, एस्थर डोफ्लो हैं, या फिर अभिजीत बैनर्जी हैं, जेरन एक्मोग्लू हैं, या फिर समोन जॉनसन है, या फिर जेम्स रॉबिनसन है ना। फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें भाई। राइट आंसर की बात करें अगर, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, डेरन एक्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिनसन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। हु वर द विनर ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे, तो आपके सामने है, डेरन एक्मोग्लू है, साइमन जॉनसन है, या फिर जेम्स रॉबिनसन। चलेंगे आंसर की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी के नोबेल प्राइज की अगर बात करें, तो भारत ने अब तक कितने नोबेल प्राइज जीते हैं। इकोनॉमी के 2 नोबेल प्राइज जीते हैं यार, एक अमृत सेन जी को मिला है, एक अभिजीत बनर्जी जी को मिला है 2019 में, और अमृत सेन जी को मिला 1998। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में किस सांस्कृतिक संस्थान ने श्रीमंत शंकर देव की 576वीं जयंती मनाई है। विच कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन श्रीलंका सेलिब्रेटेड द 576 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीमंत शंकर देव, बताएं। फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करना शुरू करें।
ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, इंडियन कल्चरल एसोसिएशन, श्रीलंका हेरिटेज फाउंडेशन या फिर कोलंबो कल्चरल एकेडमी। बताएं फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल आपका, आंसर करना शुरू कर दे फटाफट से बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो चले आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर आपका स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर, ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाई जाती है, व्हेन इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेलिब्रेटेड। बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेलिब्रेटेड, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म जयंती कब मनाई जाती है। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ अक्टूबर है, 15th of October है, 25th of October है, 30th of October है। तो चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 15th of October, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स डे के रूप में भी इसे हम मनाते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बताना है आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रेखा शर्मा जी हैं, स्मृति ईरानी हैं, विजय राहतकर या फिर अर्चना मजूमदार हैं। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करो, है ना। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा फटाफट से बिना किसी देरी के। तो बताएं, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर निकल कर यहां पर आएगा विजया राहतकर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, विजया राहतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय राहतकर के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है जिन्हें सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया है, हु वाज आल्सो अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अलोंग विद विजय राहतकर। बने स्मृति ईरानी है, रेखा शर्मा है, डॉक्टर अर्चना मजूमदार है, अनुप्रिया पटेल जी है। फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। तो बताएं भाई क्या आंसर होने वाला है, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर अर्चना मजूमदार, डॉक्टर अर्चना मजूमदार, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ITU WTSA वर्तमान में कहां आयोजित की जा रही है। ऑप्शन है आपके जेनेवा, टोक्यो, न्यू दिल्ली, पेरिस। वेयर इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वेयर इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बट टेलीकम्युनिकेशन यूनियन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ITU WTSA करेंटली बीइंग हेल्ड। बताएंगे फटाफट, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो बताइए जेनेवा, टोक्यो, न्यू दिल्ली, पेरिस, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर देंगे हम लोग। चले आंसर की तरफ, राइट आंसर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, न्यू दिल्ली बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था, ITU WTSA करेंटली बीइंग हेल्ड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITU WTA कार्यक्रम के दौरान आयोजित रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज का विषय क्या था, व्हाट इज द थीम ऑफ द रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज hosted during the ITU WTSA event। ऑप्शन है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, डायजेस्टर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, रोबोटिक्स या फिर स्मार्ट सिटीज। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज hosted during the ITU WTSA event, ITU WTSA event। बताएं, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है, फटाफट करो आंसर करो, है ना, डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था डिया। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा भाई, सभी आंसर करते चलो, है ना, सभी करेंगे आंसर और मार्क्स जरूर काउंट करेंगे। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का दौरा किया जहां उन्होंने राष्ट्रपति लाजरस चौकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। अब देखो, देश के दौरे तो 3 देशों के थे, लेकिन अब उसमें से कौन सा ऐसा देश है जहां के राष्ट्रपति लाजरस चौकवेरा जी हैं उनके साथ द्विपक्षीय बैठक भी हुई है। तो बिल्कुल आपको बताना है, विच कंट्री डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विजिट वेयर शी हेल्ड बायलैटरल मीटिंग विद प्रेसिडेंट लाजरस चौकवेरा, लाजरस चौकवेरा, फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अल्जीरिया है, मॉरिटानिया है, मलावी है, केन्या है, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है और आप क्या आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है, मलावी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, मलावी, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला है, हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। फटाफट बताएं, जोको विडोडो है, प्रोबोवो शुभियंतो है, मेगावती शुक्रान पुत्री है, वसुकी तजहजा पुर नामा है। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है,
प्रोबोवो शुभियंतु, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस भी हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को पोर्टेबल आरओ इकाइयों के साथ 12 होमोडायलिसिस मशीनें भेजी? विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली सेंड 12 होमोडायलिसिस मशीन्स विद पोर्टेबल आरओ यूनिट्स? बताएंगे, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे। लेबनान है, पापुआ न्यूगिनी है, फिजी है, श्रीलंका है, बताएं फटाफट आंसर करो बिना किसी देरी के, है ना? बिल्कुल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पोर्टेबल आरओ इकाइयों के साथ 12 होमोडायलिसिस मशीनें भेजी हैं? बिल्कुल ब्लर हो रहा था, बिल्कुल सही हो गया। चलिए बताइए, लेबनान है, पापुआ न्यूगिनी, फिजी, श्रीलंका। चलेंगे आंसर की तरफ, यह राइट आंसर है आपका पापुआ न्यूगिनी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, पापुआ न्यूगिनी, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने लेबनान को मानवीय सहायता के रूप में कितने टन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है? हाउ मेनी टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज डिड इंडिया सेंड एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लेबनान? तो बताएं भाई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू लेबनान के लिए कितना भेजा गया? 10 टन है, 20 टन है, 33 टन है, 40 टन है, बताएं। टाइम स्टार्ट है आपका, चलिए आंसर डिस्क्लोज हो गया, 33 टन है, ऑप्शन सी आपका राइट हो। श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन के लिए भारत द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता की कुल राशि कितनी है? वॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इंडिया फॉर अपग्रेडिंग स्कूल्स इन श्रीलंका प्लांटेशन रीजन? वॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट सपोर्ट, वॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट सपोर्ट, वॉट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय इंडिया एंड अपग्रेडिंग स्कूल्स इन श्रीलंका प्लांटेशन रीजन? बताएं, श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन में भारत द्वारा प्रदान की गई अनुदान सहायता की कुल राशि कितनी है? श्रीलंकन रुपी में है 400 मिलियन श्रीलंकन रुपी, 500 मिलियन, 600 मिलियन या 700 मिलियन? तो ये राइट आंसर है आपका 600 मिलियन श्रीलंकन रुपी, 600 मिलियन श्रीलंकन रुपी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इसी के साथ ही हमारा 25 क्वेश्चन का जो बंच था वो हुआ कंप्लीट, यानी 25 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इज 26 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, मार्क्स बिल्कुल काउंट कर लीजिए 25 में कितने सही हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन के बंच की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए, डॉक्टर कलाम को कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? भाई, व्हाट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डिड डॉक्टर कलाम रिसीव? टाइम स्टार्ट है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, भारत रत्न है, अशोक चक्र है, ये राइट आंसर है भारत रत्न, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इसके बाद में भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। विच कंट्री इज द 17th टू साइन एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट विद इंडिया? भारत के साथ दृश्य श्रव्य, ब्लर हो रहा है, बिल्कुल अभी सही हो जाएगा, दृश्य श्रव्य सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश कौन सा है? भाई, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, साउथ अफ्रीका है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है क्या? बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी फटाफट से। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, साउथ अफ्रीका, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू करेंगे। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना, राइट आंसर की तरफ चले। तो भारत के साथ दृश्य श्रव्य सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 17वां देश कौन सा है? तो वो राइट आंसर है कोलंबिया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कोलंबिया, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने वाराणसी में किस स्वास्थ्य सेवा संस्थान का उद्घाटन किया? विच हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन वाराणसी? एम्स वाराणसी है, आरजे संकरा आई हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, या फिर फोर्टिस हॉस्पिटल है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है भाई। विच हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन वाराणसी? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल आंसर करना शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में किस स्वास्थ्य सेवा संस्थान का उद्घाटन किया है? एम्स वाराणसी है, आरजे संकरा आई हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, या फोर्टिस हॉस्पिटल है? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है आरजे संकरा आई हॉस्पिटल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, आरजे संकरा आई हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने अमेरिका से किस प्रकार के ड्रोन खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? MQ-1 प्रीडेटर है, MQ-9B प्रीडेटर है, MQ-8 फायर स्काउट है, RQ-11 रावण है? बताएं, व्हाट टाइप ऑफ ड्रोन हैज इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्योर फ्रॉम द US? टाइम स्टार्ट, फटाफट आंसर करो, चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है MQ-9B प्रीडेटर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, MQ-9B प्रीडेटर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने पर सहमति जताई है? हाउ मेनी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स हैज इंडिया एग्रीड टू परचेज? बताएं, हाउ मेनी MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन हैज
इंडिया एग्रीज टू परचेस, भारत ने कितने MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने पर सहमति जताई है? 15 है, 20 है, 31 है, 50 है? फटाफट बताना है, आपको टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। करो करो भाई, फटाफट करो, है ना। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा वो तो देख लिया, MQ-9B प्रेडेटर था, भारत अमेरिका के किस प्रकार के ड्रोन खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो MQ-9B प्रेडेटर। नेक्स्ट हम चले यहाँ पर, तो आ गए भाई किसकी तरफ, 31 की तरफ, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 31। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? Who has been recently assumed charge as the 26th Director General of the Indian Coast Guard? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आपका। के नटराजन है, राजेंद्र सिंह जी हैं, परमेश शिवा मानी है और डी के शर्मा जी हैं। ठीक है, फटाफट ओके। देखिए यहाँ पर डिस्क्लोज हो गया है आंसर, परमेश शिवा मानी है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो परमेश शिवा मानी है, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द 7th सेशन, वेयर विल द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बी हेल्ड? भारत मंडपम न्यू दिल्ली है, फ्रांस के पेरिस में है, यूएस के न्यूयॉर्क में है, यूके के लंदन में? फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। वेयर विल द 7th सेशन, वेयर विल द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली बी हेल्ड? फटाफट आंसर करेंगे हम लोग, चलते हैं आंसर की तरफ। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में, फ्रांस के पेरिस में, यूएस के न्यूयॉर्क में, यूके के लंदन में? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है भारत मंडपम न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शन है आपके अजय माथुर जी हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इमैनुअल मैक्रॉन हैं? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अजय माथुर, प्रहलाद जोशी, नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रॉन? राइट आंसर इज प्रहलाद जोशी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, प्रहलाद जोशी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो दो देश कौन से हैं जिनका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दौरा कर रही है? भाई कौन से दो देशों के दौरे पर गई हुई थी? वॉट आर द टू कंट्रीज दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल विजिट? बताएं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, कनाडा, ब्राजील है, मैक्सिको, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, या फिर जापान एंड साउथ कोरिया है? फटाफट बताओ, मैक्सिको एंड यूएस है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। मैक्सिको एंड यूएस की यात्रा पे सुश्री सीतारमन ने मैक्सिको की यात्रा के दौरान टेक लीडर्स राउंड टेबल बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की जाएगी? बिल्कुल आपके साथ बोला था मैंने और कहा था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा वो सिटी। तो बिल्कुल, वेयर विल द टेक लीडर्स राउंड टेबल बी हेल्ड ड्यूरिंग मिसेस सीतारमन विजिट टू मैक्सिको? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है, ब्लर हो रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा अभी जस्ट, बिल्कुल आंसर करना शुरू करें, टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो बताएं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गौदल हजारा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, गौदल हजारा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? राइट आंसर ओमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी आपका राइट। ओमर अब्दुल्ला के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलोंग साइड ओमर अब्दुल्ला? टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करेंगे जावेद दर, सुरेंद्र चौधरी, महबूबा मुफ्ती एंड सतीश शर्मा। तो राइट आंसर है डिया सुरेंद्र चौधरी, ऑप्शन बी आपका राइट, सुरेंद्र चौधरी। उमर अब्दुल्ला के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपा क्लिपर के बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद कब है? व्हेन इज द यूरोपा क्लिपर एक्सपेक्टेड टू इंटर ऑर्बिट अराउंड जुपिटर? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है 2025, 30, 35, 40, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। यूरोपा क्लिपर के बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद कब है? तो डियर ये उम्मीद है 2030 तक, ऑप्शन बी आपका राइट। बृहस्पति तक पहुंचने के लिए यूरोपा क्लिपर कितनी दूरी तय करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके साथ, बिल्कुल डिस्कस हुआ था। हाउ फॉर विल द यूरोपा क्लिपर ट्रेवल टू रीच जुपिटर? अबाउट 1.5 बिलियन किलोमीटर है, 2.9 बिलियन किलोमीटर है, 3.5 बिलियन किलोमीटर है, या फिर 4 बिलियन किलोमीटर है? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है 2.9 बिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी इज राइट, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह?
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का नाम क्या है? एयर सेंस है, पवन चित्रा है, क्लीन एयर मॉनिटर है, इको मॉनिटर है, फटाफट बताओगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल आंसर करें। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर अनवेल्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। राइट आंसर डियर यहां पर क्या हो जाएगा? पवन चित्रा। जी हाँ बिल्कुल, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पवन चित्रा। ओके वन सेकेंड, ओके 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 ओके। पवन चित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवन चित्रा का अनावरण कहाँ किया गया भाई? वेयर वाज द सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर पवन चित्रा अनवेल्ड? आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ था यार, बताएंगे। नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या फिर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बताएं क्या आंसर होने वाला है? वेन वॉज द सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर पवन चित्रा अनवेल्ड? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चित्रा में उपयोग किए जाने वाले स्वदेशी इंडोर सेल सौर सेल के संगठन ने विकसित किए हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसरो है, डीआरडीओ है, सीएसआईआर एनआईएसटी है, आईटी बॉम्बे है। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिजीनियस इंडोर सोलर सेल यूज्ड इन पवन चित्रा, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। यह राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है, सीएसआईआर एनआईएसटी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सीएसआईआर एनआईएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आशियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित की गई? वेयर वॉज द फर्स्ट आशियान इंडिया ट्रैक वन साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड, बताएं। टाइम स्टार्ट है, बिल्कुल आंसर करेंगे। न्यू दिल्ली है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, जकार्ता है, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। प्रथम आशियान भारत ट्रैक वन साइबर नीति वार्ता कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर है आपका सिंगापुर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कितनी तितली प्रजातियां देखी गई हैं? हाउ मेनी बटरफ्लाइज स्पीसीज हैव बीन स्पॉटेड एट काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में कितनी तितलियां प्रजातियां देखी गई हैं? 440 से 446, 500, 350, फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन देखते हैं राइट आंसर क्या है। 446, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 446। भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में तितली प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? विच नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पेसीज इन इंडिया? काजीरंगा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, नमदाफा नेशनल पार्क है, या फिर सुंदरबन नेशनल पार्क है, बताएं क्या आंसर होने वाला है? टाइम स्टार्ट है आप सभी का, ओके करो करो आंसर करो भाई। विच नेशनल पार्क हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बटरफ्लाई स्पेसीज इन इंडिया? राइट आंसर है डियर, सबसे हाईएस्ट है नमदाफा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा में तितली अवलोकन का श्रेय किस युवा वैज्ञानिक को जाता है? Who is the young scientist credited by the butterfly observations at Kaziranga? Monsoon Rajendra Gogoi है, Monsoon Jyoti Gogoi है, Monsoon Gomti Gogoi है, Monsoon Ramesh Kumar है, फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका Monsoon Jyoti Gogoi, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस IAC कहाँ आयोजित की गई? Where was the 75th International Astronautical Congress ISE held? Where was the 75th International Astronautical Congress ISE held? France के पेरिस में है, जापान के टोक्यो में है, इटली के मिलान में है, US के न्यूयॉर्क में है, फटाओ फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करो, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है, हम लोग चलेंगे फटाफट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है, करो करो सभी करो भाई। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है भाई, वो है आपका इटली के मिलान, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का विषय क्या है भाई? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस? इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का विषय क्या है? ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजीज फॉर ऑल है, रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी है, या फिर इनोवेशन इन स्पेस ट्रेवल है, बताएं। टाइम स्टार्ट है, राइट आंसर है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी इज राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पिछले महीने एरिक्सन ने वोडाफोन आइडिया के साथ जो अनुबंध हासिल किया था उसका मूल्य क्या था, बताएंगे आप सभी। व्हाट
वॉज द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इरेक्शन सिक्योर्ड लास्ट मंथ विद वोडाफोन आइडिया? $1 बिलियन है, $2 बिलियन है, $3.6 बिलियन है या फिर $5 बिलियन है? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आया $3.6 बिलियन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5G उपकरण अनुबंध के लिए इरेक्शन के साथ कौन सी कंपनी साझेदारी कर रही है? विच कंपनी इज पार्टनरिंग विद इरेक्शन फॉर द 5G इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया? रिलायंस जियो है, वोडाफोन आइडिया है, भारतीय एयरटेल है, BSNL है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। राइट आंसर है भारतीय एयरटेल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय को किस नियामक संस्था ने मंजूरी दी है? विच रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव द मर्जर ऑफ टाटा कैपिटल विद टाटा मोटर्स फाइनेंस? टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस के विलय को किस नियामक संस्था ने मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, आंसर करने हैं आप सभी को। विच रेगुलेटरी बॉडी अप्रूव द मर्जर ऑफ टाटा कैपिटल एंड टाटा मोटर्स फाइनेंस? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाए, RBI ने। तो इसी के साथ ही हमने 26 क्वेश्चन का भी बंच क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं किसकी तरफ, आगे जो हमारे 28 क्वेश्चन है फाइनली उनके बंच की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो चलिए 51 क्वेश्चन के बाद हम लोग आते हैं 52nd नंबर क्वेश्चन पे। 52nd नंबर क्वेश्चन रहा ये, टाटा मोटर्स फाइनेंस किस प्रकार की कंपनी है भाई? व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इज टाटा मोटर्स फाइनेंस, TMFL? टाटा मोटर्स फाइनेंस किस प्रकार की कंपनी है? कॉमर्शियल बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है? बताएं क्या आंसर होने वाला है, फटाफट से आप सभी को आंसर करना है, बताना है क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर राइट आंसर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है भाई, बताएं। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेटेड? वेयर वॉज द फर्स्ट एवर कोल गैलरी इनॉग्रेटेड? नेशनल म्यूजियम है, नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू करें। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। पहली गोला गैलरी का उद्घाटन कहां किया गया, तो राइट आंसर है आपका नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में कोयले पर आधारित प्रदर्शनी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जीबिशन बेस्ड ऑन कोल एट द नेशनल साइंस सेंटर? बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है, करो आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में कोयले पर आधारित प्रदर्शनी का नाम क्या है? द पावर ऑफ कोल, ब्लैक डायमंड अनवेलिंग द डेप्थ, कोल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कोल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग? चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है ब्लैक डायमंड अनवेलिंग द डेप्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, किस केंद्रीय मंत्री ने देवालाली और दानापुर के बीच नई विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? विच यूनियन मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द न्यू स्पेशल ट्रेन बिटवीन देवालाली एंड दानापुर? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। नितिन गडकरी जी है, पीयूष गोयल है, अश्वनी वैष्णव है या फिर मनसुख मांडविया जी है, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना हो, विच यूनियन मिनिस्टर फ्लैग्ड ऑफ द न्यू स्पेशल ट्रेन बिटवीन देवालाली एंड दानापुर? किस केंद्रीय मंत्री ने देवालाली और दानापुर के बीच नई विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं, अश्वनी वैष्णव हैं, मनसुख मांडविया जी? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देवालाली और दानापुर के बीच शुरू की गई नई विशेष ट्रेन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्पेशल ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन देवालाली एंड दानापुर? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्पेशल ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन देवालाली एंड दानापुर? बताएं, टाइम स्टार्ट है। देवालाली और दानापुर के बीच शुरू की गई नई विशेष ट्रेन का नाम क्या है? बताओ भाई, करो आंसर, करो, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल मार्क्स जरूर काउंट करते चलना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चलना, मार्क्स काउंट करते चलना, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, है ना, फटाफट करते चलो भाई। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है शहदकारी समृद्धि स्पेशल, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवालाली दानापुर मार्ग पर फसलों के परिवहन के लिए किसानों को प्रति किलोग्राम कितना खर्च आएगा? हाउ मच विल इट कॉस्ट फार्मर्स टू ट्रांसपोर्ट क्रॉप्स ऑन द देवालाली दानापुर रूट्स पर किलोग्राम? 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। बिल्कुल आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी बिना किसी देरी के, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। करो करो आंसर करो भाई,
तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 4 रुपीज, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 4 रुपीज। ठीक है चलते नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन देवलाली अंडानापुर के बीच लगभग कितनी दूरी तय करती है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेतकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन बिटवीन देवलाली अंडानापुर। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करें बंद। 1000 किलोमीटर है, 1200, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, फटाफट बताओ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेतकारी समृद्धि स्पेशल ट्रेन बिटवीन देवलाली अंडानापुर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1500 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है। वेयर इज द 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट बीइंग हेल्ड। वेयर इज द 27th ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट बीइंग हेल्ड। टाइम स्टार्ट है, आंसर करना शुरू करेंगे। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है। भोपाल है, रायपुर है, लखनऊ है, देहरादून है, फटाफट आंसर करोगे। टाइम स्टार्ट है बिल्कुल, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है। तो राइट आंसर है रायपुर में, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहली बार खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। वेयर विल द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप बी हेल्ड। पहली बार खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है। मुंबई है, बेंगलुरु है, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है। टाइम स्टार्ट है, फटाफट आंसर करो। राइट आंसर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आयोजित होने वाले खो खो विश्व कप की तिथियां क्या है। व्हाट आर द डेट्स फॉर द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। 10 से 16 जनवरी, 13 से 19 जनवरी, 15 से 21 जनवरी, 20 से 26 जनवरी, बताएं फटाफट आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर दो। चलेंगे आंसर की तरफ, तो राइट आंसर है 13 से 19 जनवरी 2025 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। पहले खो खो विश्व कप में कितने देश भाग लेंगे। हाउ मैनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप। 12, 18, 24, 30 करो आंसर फटाफट से आंसर। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। पहले खो खो विश्व कप में कितने देश भाग ले रहे हैं। 12, 15, 12, 18, 14, 24, 20। 12, 18, 24, 20 राइट आंसर है 24। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF हु won द सिल्वर मेडल इन द ट्रैप इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग। ISSF विश्व कप फाइनल शूटिंग में ट्रैप इवेंट में रजत पदक किसने जीता है। अनंत जीत सिंह नरुका है, यिंग क्वी है, वेवान कपूर है, पोलगा एंड तंसर है, फटाफट बताओगे। टाइम स्टार्ट है, आप सभी का बिल्कुल स्टार्ट है। won द सिल्वर मेडल इन द ट्रैप इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है वेवान कपूर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाए। मार्क्स जरूर काउंट करते चलना भैया, मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आपको बताने हैं अपने मार्क्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ISSF विश्व कप फाइनल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन द टोटल विन इन टोटल एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल। ISSF विश्व कप फाइनल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। 2 मेडल हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, बताओ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 4 मेडल, ऑप्शन डी इज राइट। अनंत जीत सिंह नरुका ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इन विच इवेंट डिड अनंत जीत सिंह नरुका विन अ ब्रॉन्ज मेडल। इन विच इवेंट डिड अनंत जीत सिंह नरुका विन अ ब्रॉन्ज मेडल। नरुका किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ट्रैप फाइनल है, स्कीट फाइनल, शॉटगन है, राइफल थ्री पोजिशन है, या 10 मीटर एयर पिस्टल है। करो आंसर भाई फटाफट से बिना किसी देरी के करो आंसर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। करो करो भाई फटाफट करो बिना किसी देरी के करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है स्कीट फाइनल शॉटगन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे वित्तीय निगम के सीईओ और एमडी के रूप में किसने नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। आईआरएफसी की बात हो रही है, फटाफट आंसर करो। भारतीय रेलवे वित्त निगम के सीईओ एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। राजेश कुमार वर्मा जी हैं, मनोज कुमार दुबे हैं, संजय कुमार मिश्रा हैं, अनिल कुमार सिंह हैं, फटाफट करो आंसर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर है मनोज कुमार दुबे, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उड़ीसा जिस भयंकर चक्रवाती तूफान की तैयारी कर रहा है उसका नाम क्या है। बहुत ही सिंपल बियर, आपको पता भी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म दैट उड़ीसा इज प्रिपेयरिंग फॉर। राइट आंसर इज साइक्लोन दाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आयोडीन द्वारा हर कौन से हार्मोन नियंत्रित होते हैं? व्हाट हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय आयोडीन इन द बॉडी? आयोडीन इन द बॉडी, शरीर में आयोडीन द्वारा कौन से हार्मोन नियंत्रित होते हैं? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। इंसुलिन एंड कोर्टिसोल है, थायरोक्सिन एंड 3-DOT-39 है, या फिर एस्ट्रोजन एंड प्रोस्ट्रोजन है, या फिर एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन है, बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है थायरोक्सिन एंड टीटोडोथायरीन है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने नई दिल्ली में क्या लॉन्च किया है? व्हाट वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया इन न्यू दिल्ली, बताएं। टाइम स्टार्ट है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर नेशनल टेलीकॉम रिफॉर्म प्लान है, बताएंगे आंसर, करेंगे आंसर। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल प्रिवेंशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 अकॉर्डिंग टू द आरबीआई? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 6.5% है, 7.2, 5.8, 8%। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। बिना किसी देरी के आंसर करना शुरू कर दो। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 7.2%, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई दस्तावेज के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या है? भाई व्हाट इज द प्रोजेक्टेड सीपीआई इन्फ्लेशन रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर द आरबीआई डॉक्यूमेंट, बताएं। टाइम स्टार्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2024-25 में एज पर द आरबीआई डॉक्यूमेंट में कितना बोला है मेंटेन करने को, बताओ भाई फटाफट। सभी आंसर करेंगे, बोलो भाई, करो करो फटाफट करो। चलते हैं आंसर की तरफ। डियर, राइट आंसर निकल कर आ रहा है 4.5%, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्ला खां का जन्म किस वर्ष हुआ था? विच ईयर वॉज अशफाक उल्ला खां बोर्न, बताएं फटाफट। 1905, 1900, 1910, 1920, तो राइट आंसर है 1900, 1900। चलिए नेक्स्ट इज, 1924 में अशफाक उल्ला खान ने किस संगठन की स्थापना में मदद की है? व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिड अशफाक उल्ला खान हेल्प टू फाउंड इन 1924? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, फॉरवर्ड ब्लॉक है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बिल्कुल चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मणिपुर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री इन मणिपुर? 25, 50, 44, 36, बताएंगे फटाफट आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। तो बताइए, मणिपुर में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? हाउ मेनी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री इन मणिपुर? करो आंसर फटाफट से, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। बोलो बोलो भाई, बताओ फटाफट फटाफट बताओ, बिना किसी देरी के बताओ। 25, 50, 44, 36, राइट आंसर इज 50, ऑप्शन बी इज राइट 50। चलेंगे नेक्स्ट इज, तेलंगाना सरकार ने आपातकालीन बिजली बहाली सेवाओं को संभालने के लिए क्या लॉन्च किया है? पावर ट्रक्स, पावर एम्बुलेंस, इमरजेंसी पावर व्हीकल, या फिर पावर रेस्क्यू यूनिट्स? व्हाट हैज द तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्च टू हैंडल इमरजेंसी पावर रेस्टोरेशन सर्विसेज, बताएंगे फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर इज पावर एम्बुलेंस, ऑप्शन बी इज राइट, पावर एम्बुलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज वियतनाम प्रेसिडेंट? वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? टाइम स्टार्ट है, बताएंगे। टो लैम है, न्यूंगेन प्योंग फ्रॉन्ग है, लुआंग क्वांग है, या फिर पाम मेंशन है, बताएंगे फटाफट आंसर करें। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे, बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है लुआंग क्वांग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज राइट, लुआंग क्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल त्रिपाठी यूएई की अपनी यात्रा के दौरान किस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं? मालाबार एक्सरसाइज है, इंदिरा नेवल एक्सरसाइज है, बिलाट नेवल एक्सरसाइज है, या फिर रिमपैक है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है। व्हाट नेवल एक्सरसाइज इन एडमिरल त्रिपाठी पार्टिसिपेटिंग इन ड्यूरिंग विजिट इन टू द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो डियर राइट आंसर है बिलाट नेवल एक्सरसाइज, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत यूएई द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसैनिक जहाज का नाम क्या है? विच इंडियन नेवल शिप इज मेंशन्ड एज पार्टिसिपेटिंग इन द इंडिया यूएई बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, बताएं।
आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस कोलकाता है, बताएंगे फटाफट आंसर करोगे बिना किसी देरी के। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल गया आईएनएस विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सातवें अंतर सहित सरकारी परामर्श के लिए भारत आने वाले जर्मन चांसलर कौन है भाई? हु इज द जर्मन चांसलर विजिटिंग इंडिया फॉर द सेवेंथ इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशन, बताएं। एंजल मार्केल है, ओलाफ स्कोल्स है, फ्रैंक वाल्चर स्टीमर है, या फिर हैको मास है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर करो करो फटाफट आंसर करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर निकल कर आ रहा है ओलाफ स्कोल्स, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन हमने, यानी ये 28 क्वेश्चन का जो बंच था ये भी हमने क्या किया, कंप्लीट किया। तो यार इसी के साथ ही हमने 79 क्वेश्चन ओवरऑल क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। और ये बंच कुछ इस तरह से था, 25 क्वेश्चन प्लस 26 क्वेश्चन प्लस 28 क्वेश्चन, ओवरऑल 79 क्वेश्चन का बंच हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं फ्लैशबैक। तो दिस वीक फ्लैशबैक में क्या क्या रहा है हम लोग देखेंगे वन बाय वन, वन बाय वन। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में अपने समकक्ष लाजरस चकवेरा के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 6,700 करोड़ की विकास परियोजनाएं, हवाई अड्डों और खेल परिसरों का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में ITU WTSA चल रहा है, बिल्कुल आपके साथ डिस्कस हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तीन देशों की अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी की यात्रा के साथ अफ्रीका के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसी के साथ ही, असम के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 का क्या किया, शुभारंभ किया। नेक्स्ट हम बात करें उड़ीसा भीषण चक्रवाती तूफान दाना के लिए तैयार, गुरुवार को दस्तक देने की उम्मीद है और बिल्कुल इस तूफान से जो है लड़ रहा है। हम बात करें वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा की, एंड यार प्रोबोवो शुभियंतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला, प्रोबोवो शुभियंतो टेक्स ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट बात करें बढ़ती कीमतों के बीच बांग्लादेश को भारत से 2.31 लाख अंडे मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत ने पापुआ न्यूगिनी को हेमोडायलिसिस मशीन और लेबनान को चिकित्सा आपूर्ति क्या की है, भेजी है। नेक्स्ट हम बात करें यार भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों के में स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर 600 मिलियन श्रीलंकन रूपी कर दी है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। नेक्स्ट हम बात करें विजया राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया, विजया राहतकर, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था ये अपॉइंटमेंट। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस जाएंगे, रूस के कजान में 16वें नंबर की ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स समिट रही है। नेक्स्ट हम बात करें उड़ान भारत के विमानन क्षेत्र में बदलाव ला रही है, उड़ान दैट इज उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म निकल कर आया है। और ये अपने ऑपरेशंस बढ़ाने की बात की गई है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त को लेकर सहमति जताई है। पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को, पुलिस कॉमेमोरेशन डे इज ऑब्जर्व 21 अक्टूबर। विश्व आयोडीन की कमी दिवस का उद्देश्य आयोडीन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा है, फूड रिच इन आयोडीन। तो ये फ्लैशबैक संडे हम लोग देख रहे हैं यार, चलिए बिल्कुल फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्र ने स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है, नेशन ने पे किया है ट्रिब्यूट किया है टू फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्लाह खां ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 22nd of October। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने सातवें IGC के लिए भारत आएंगे, बिल्कुल आपके साथ डिटेल डिस्कस हुआ है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स बिल्कुल छाए हुए हैं आपके साथ, मीटिंग्स पे मीटिंग्स और फाइनली बातों पे बातें हुई हैं, डिस्कशन पे डिस्कशन हुए हैं। BSNL ने नए लोगों का अनावरण किया, न्यू लोगो ऑफ BSNL अनवील्ड। नेक्स्ट बात करें अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें रशिया यूक्रेन विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ये बात बोली है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय स्तर पर अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 शुरू होगा, नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट 2024 इज बिगिन। सिविल एविएशन मिनिस्टर की बात करें श्री किंजारप्पू राम मोहन नायडू जी हैं। हम बात करें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश तो चंद्र बाबू नायडू जी हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को क्या दी है, मंजूरी दी है, 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें डीएल तो तेलंगाना सरकार ने आपातकालीन बिजली बहाली सेवाओं को संभालने के लिए पावर एम्बुलेंस लॉन्च किया है, पावर एम्बुलेंस लॉन्च किया गया 1912 तेलंगाना सरकार के द्वारा, ये अपनी तरह का पहला इस तरह का देखने को मिला है। वियतनाम ने लुआंग क्वांग को राष्ट्रपति चुना है, वियतनाम इलेक्ट्स लुआंग क्वांग एज अ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम बात करें वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.2% रहने की संभावना जताई है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें नेक्स्ट, भारत UAE ने समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की है, दिनेश के त्रिपाठी जी आपको दिख पा रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ब्लैट नेवल एक्सरसाइज का
थर्ड एडिशन रहा है, INS विशाखापट्टनम में इसने पार्टिसिपेट किया है। सरदार सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह क्या किया है, शुरू किया है। गवर्नमेंट लॉन्च 2 ईयर नेशनल वाइड सेलिब्रेशन फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल 150th बर्थ एनिवर्सरी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने कजान घोषणा को क्या किया है, अपनाया है। और इसी के साथ हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठकें की हैं सी जिनपिंग के साथ। नेक्स्ट बात करें, गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए प्रतिनिधियों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, 55th है, गोवा में हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने पर क्या की है, सहमति जताई है। हम बात करेंगे, सिंगापुर ने एशिया की शांति के स्थिरता के लिए भारत की रणनीतिक आवाज को क्या किया है, स्वीकार किया है। 6 मिनिस्ट्रियल डायलॉग रहा है सिंगापुर के साथ। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत आएंगे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत आएंगे, पीएम मोदी के साथ C295 विमान संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। पेड्रो सांचेज, उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, स्पेन के राष्ट्रपति साहब की बात हो रही है, भारत विजिट पर है। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवा आयुर्वेदीय दिवस मनाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू सेलिब्रेट 9th आयुर्वेदा डे फोकसिंग ऑन ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन। नेक्स्ट हम बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने पॉस्को एक्ट के तहत पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की क्या की है, घोषणा की है, और वो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं, फ्लैशबैक संडे चल रहा है डियर। प्रधानमंत्री मोदी की स्थापना, प्रधानमंत्री मोदी ने ITBP के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी समझ पा रहे हो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स की बात हो रही है डियर, ITBP। नेक्स्ट हम बात करें, कैबिनेट ने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए 6,798 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। हुंडई मोटर ग्रुप के अध्यक्ष यूशिन चुंग ने प्रधानमंत्री मोदी से निवेश पर क्या की है, चर्चा की है। हुंडई मोटर ग्रुप के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, बिल्कुल इनका नाम ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने से, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाने से भगवान बुद्ध के अनुयायियों में खुशी की भावना क्या हुई है, जागी है। तो ये भी न्यूज बिल्कुल हमने क्लासिकल लैंग्वेज आपकी 5 डिटेल में डिस्कस की थी आपके साथ इससे पहले वीक में। नेक्स्ट हम बात करें, सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान क्या किया है, शुरू किया। गवर्नमेंट लॉन्च वेदर फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल। एम्स दिल्ली ने JNPA ट्रामा सेंटर में 5 मॉड्यूलर OT का क्या किया है, उद्घाटन किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, 51वें नंबर के 51st नंबर के ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 11th नवंबर से फाइनली कंटिन्यू ये अपने पद को संभाल लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, DY चंचूर सबसे अधिक टाइम तक सर्व करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। न्यायमूर्ति यहा अफरीदी पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस यहा अफरीदी टू बिकम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नेपाल की उर्मिला चौधरी ने ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 विन किया। नेपाल से उर्मिला चौधरी विंस ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024, ठीक है। चलिए इसी के साथ ही हम बात करेंगे, नेपाल से उर्मिला चौधरी की बात हो रही है, विंस ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। नेक्स्ट हम चले तो IMF ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की GDP वृद्धि दर को 7% पर बरकरार रखा है। डिलॉइट ने बोला है 7 से 7.2% के बीच में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यार, तो इंडिया चाइना कॉमेंस मिलिट्री डिसएंगेजमेंट इन देपसांग एंड डैमचौक अलोंग LAC। भारत चीन ने LAC पर देपसांग और डैमचौक में सैन्य वापसी क्या कर दी है, शुरू कर दी है। इंडिया चाइना कॉमेंस मिलिट्री डिसएंगेजमेंट इन देपसांग एंड डैमचौक अलोंग LAC। भारत चीन ने LAC पर देपसांग और डैमचौक में सैन्य व्याप्ति क्या कर दी है, शुरू कर दी है। आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था, 22nd of October से फाइनली ये होना शुरू हुआ था, 30 से 31st of October तक फिर से पेट्रोलिंग वैसी ही हो जाएगी जैसे अप्रैल 2020 से पहले हुआ करती थी। तो ये बिल्कुल नेशनल न्यूज थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $33 बिलियन तक पहुंचा है और भारत जर्मन निवेश $15 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, EIB यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, अनाउंस किया 2,800 करोड़ का लोन फॉर बेंगलुरु सब अर्बन रेलवे टू बूस्ट अर्बन मोबिलिटी एंड सेफ्टी। शहरी गतिशीलता सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए EIB ने बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे 2,800 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है। प्रवासी परिचय 2024 रियाद प्रदर्शनी में भारतीय महिला कलाकार संस्कृतियों को जोड़ती है। प्रवासी परिचय फाइनली ये रियाद की जो एम्बेसी है हमारी रियाद में, फाइनली वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो अपने प्यारे भारत का फ्लैग दिख रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट की बात करें तो, और सिक्किम सरकार ने सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। सिक्किम गवर्नमेंट साइन MOU टू बूस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट। 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस किक ऑफ इन गांधीनगर में 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन क्या हुआ है, शुरू हुआ है। गांधीनगर में 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन शुरू हुआ।
भारत जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और व्यापार पर कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। इंडिया जर्मनी साइन एंड मल्टीपल एमओयू ऑन ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। नेक्स्ट बात करें, नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल ने एडीबी और विश्व बैंक के साथ बैठकें की हैं। नेपाल्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड विष्णु पौडेल इंगेज इन मीटिंग्स विद एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हम बात करें, इंडियन ऑरिजिन पाम कौर बिकेम एचएसबीसी फर्स्ट फीमेल सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाई गई है, भारतीय मूल की है पाम कौर। एचएसबीसी हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, आप सभी समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यार ये सबसे पहला एटीएम भी ओपन किया था इन्होंने 1987 में मुंबई में। एचएसबीसी सबसे पहला एटीएम ओपन करने वाला बैंक है भारत में। नेक्स्ट हम बात करें, कुश्ती, भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। रेसलिंग, इंडिया बैक्स टू मेडल अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट हम बात करें, महिला हॉकी की दिग्गज रानी रामपाल ने खिलाड़ी के तौर पर क्या किया है, संन्यास लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वुमेन्स हॉकी लेजेंड रानी रामपाल रिटायर्स एज अ प्लेयर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, रानी रामपाल बहुत ही फेमस, अगर हम बात करें हॉकी की क्वीन बोला जाता है इनको। तो ये था हमारा फ्लैशबैक संडे, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो बिल्कुल सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करो, अपने मार्क्स जरूर बताना कितने मार्क्स आपने गेन किए, पीडीएफ कैसे मिलती है। पीडीएफ के लिए आप सभी को पता है क्या करना होता है, आप टेलीग्राम पे जाओगे, नाम सर्च करो आयुष अग्निहोत्री, टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ ले सकते हो, वहां शेयर कर दी जाती है। या फिर आप @PM थिंक टैंक भी टाइप करोगे तब भी आपको पीडीएफ बहुत ही आसानी के साथ क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, मोर करोगे एंड अगेन मोर करोगे टाइटल डिस्क्रिप्शन के नीचे, एंड मोर करने के बाद क्या होगा, फिर आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, डाउनलोड पीडीएफ का लिंक लगा होगा। लिंक लगा है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं लगा तो वेट कर ले, टेक्निकल लिंक जैसे ही ऐड करिए आपको मिल जाएगा। लिंक पर टच करोगे एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पे जाओगे यहाँ पे डेट मिल जाएगी, इसके नीचे जाओगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करोगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ऊपर से स्क्रॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीकली सेशन, आई होप आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर सुबह 7 बजे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, पूरे वीक को एनालाइज करें कि आपने क्या सीखा इस वीक में और आगे आने वाले वीक में आप क्या करने वाले हैं। आगे आने वाला वीक बिल्कुल दिवाली का फेस्टिवल लेकर आ रहा है, तो बिल्कुल चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।